देखिए, जंग बहुत ज़रूरी है। जंग में इंसान, हर आदमी जीतना चाहता है। जंग बुरी चीज़ नहीं है, पर वो किस लेवल पे हो रही है, काम को लेकर अगर हो रही है तो बहुत बेहतर है। अगर बात विवाद के लिए होती है तो वो बुरा है, लेकिन अगर काम के लिए हो रही है कि मैं बेहतर करूँ, तो इससे हम सबका भला है। और ये जंग हमेशा होना चाहिए, चाहे वो हिंदी इंडस्ट्री हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, या बंगला हो, या कोई भी दुनिया का लैंग्वेज हो। अगर काम को लेकर जंग हो रही है तो समझिए कि बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो हर आदमी अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा, हर आदमी बेहतर करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा जंग हमेशा होना चाहिए। आप देखते हैं सर फिल्म कोई? बिल्कुल बिल्कुल देखता हूँ, क्यों नहीं। मैं इस सिनेमा से जुड़ा हुआ हूँ, सिनेमा का हिस्सा हूँ। चाहे भाषा अलग हो सकती है मेरी, लेकिन मैं तो एक हूँ कलाकार ही। तो एक कलाकार होने के नाते मुझे हर चीज़ देखना होता है, और कोशिश आदमी करता है कि उससे बेहतर करे और अपने समाज को और अपने भाषा को बड़ा करे। देखिए, अब तो आप सभी माध्यम है हम लोगों के पास, क्योंकि पहले तो थिएटर हम जाते थे, लेकिन अब आजकल तो हर आदमी के मोबाइल में ही चले जाते हैं हम। तो हमारी कोशिश है कि आप सबके माध्यम से ही अगर लोगों का ज़्यादा रुझान हुआ सिनेमा के प्रति, तो हम थिएटर तक भी जाएंगे और जितना भी हो सकेगा लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। सर, इनका नाम है फरिश्ता। आपकी ज़िंदगी में फरिश्ता कौन रहा है, कौन है? मेरे ज़िंदगी के फरिश्ता आप भी हैं बाबा, ये पूरी मीडिया है, ये सब बैठने वाले हर वो कड़ी है मेरे जीवन के फरिश्ता। रीज़न ये है कि देखिए, हर आदमी अगर आपको थोड़ा सा भी अगर गलत भी बोले या बुरा भी बोले या सही भी बोले, कुछ भी बोलता है, तो आपके जीवन के लिए वो फरिश्ता ही होता है। रीज़न ये है कि आपको कहीं ना कहीं वो पुश किया है। तो मेरे जीवन में मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप के अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरे जनता हो, मीडिया कर्मी हो, मेरे सीनियर हो, हीरोइने हो, या करेक्टर रोल हो, या कैमरामैन से लेकर स्पॉट बॉय तक, हर आदमी मेरे जीवन का फरिश्ता है जिन्होंने मुझे संवारा है। हिंदुस्तान के साथ साथ दुबई में भी आपकी फिल्म का ट्रेलर ट्रेंडिंग पे है। यही तो खूबी है, जो हम एक जगह है ये नहीं है। आप जहाँ देखिएगा हमारा भाषा है, हम नहीं हमारा भाषा है। अगर हमारा भाषा लंदन में ट्रेंड करता है, या लंदन के लोग संघर्ष 2 को भी, सबने जो भी क्रिएटर हैं सबने तारीफ़ की, इनकेस की फरिश्ता को हर आदमी ने तारीफ़ किया, हर भाषा के लोगों ने तारीफ़ की। तो ये हमारी जीत है, हम सबकी जीत है, हमारे भाषा की जीत है, हमारे कल्चर का जीत है, जो लोग आज इतना प्यार और स्नेह हमें दे रहे हैं। खेसारी भाई, बहुत सारी तारीफें कर रहे हैं लोग फरिश्ता को लेकर, आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने करीबी लोगों से, सिनेमा इंडस्ट्री से, आपके चाहने वालों से, जो भोजपुरी फिल्मों के लोग हैं वो किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं फरिश्ता के ट्रेलर को, कर भी रहे हैं या नहीं? ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जैसे इनको पते नहीं है कि लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। अब तो कितने कलाकारों से, मीडिया कर्मी हमारे आप ही जैसे भाई लोग पूछे हैं कि आपने फरिश्ता का ट्रेलर देखा है, आपके संघर्ष 2 को देखा है? तो बहुत सारे कलाकार बोले भी हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी है कि बोले कि नहीं, हम नहीं देखे हैं। तो अच्छी चीज़, हमारी भोजपुरी सिनेमा में लोग नहीं देखते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप अच्छी चीज़ नहीं देखिएगा तो अच्छा करिएगा कैसे? मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ किसी की भी हो, चाहे छोटे कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, कलाकार कोई छोटा नहीं होता, हर कलाकार कलाकार ही होता है। लेकिन हाँ, एक जूनियर सीनियर की बातें होती है, तो मुझे लगता है कि किसी की भी अगर बेहतर चीज़ हो तो हम सबको देखना चाहिए, ताकि हमें उससे भी सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम देख लेंगे तो छोटे हो जाए। मोबाइल में तो देखना है, कौन सा हम पब्लिक लिए देखना है, कहीं भी रजाई में घुस कर देख लेने का। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि ना भाई क्यों देखी तो न्यूज में छाप दी, तो कौन काम बा, रजाई में घुस कर बैठ, बाथरूमों में बैठ कर आदमी, आधा तो काम आजकल बाथरूमे में होता है, हम आधा गाना तो बाथरूमे में लिखे ले जाने के। हमारे कृष्णा प्रदर्शी इसके हिस्सा है, जो कि आप लोगों ने गाना एक ट्रेंड में विदाउट रिलीज वो गाना ट्रेंड में आ गया कि पागले बना दी राम जी पागले बना दी। तो कहीं ना कहीं हम सबका कोशिश है जे एक बेहतर सिनेमा के गाने बने। अब तो हम हमेशा कृष्णा जी, चाहे हम बैठते हैं, अब इसलिए मेरे गांव से हैं और रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं ये, और हम बचपन से एक दूसरे के साथ पढ़े भी हैं, बैठे भी हैं, उठे भी हैं, हर कुछ एक दूसरे के साथ रह के ही किए। तो अब हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अब हम पहले एल्बम की तरह गाना बनाते थे सिनेमा का, लेकिन अब हम सिनेमा के गाना बनाते हैं, सिनेमा के सिचुएशन के गाना बनाते हैं। तो कोशिश है हमारी, बाकी okay, sorry, sorry.